आज का ये जो हमारा वीडियो है ये है SOL की अपडेट को लेकर। जैसा कि कल की डेट में अगर हम देखते, कल हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग आपको बताया था कि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल था। आर्टिकल में ये बताया जा रहा था कि आपके एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो जाएंगे, यानी कि जो नवम्बर में एग्जाम होने थे वो नवम्बर में नहीं होंगे, वो कब होंगे, दिसंबर के एंड में होंगे। लेकिन आज जो न्यूज आ रही है उसमें ये सारी चीजें कैंसिल होती नजर आ रही है। आज की न्यूज के अकॉर्डिंग अमर उजाला ये कह रहा है कि आपके जो पेपर है वो रद्द हो चुके हैं, पेपर नहीं होंगे, कैंसिल हो गए, लेकिन पेपर कब होंगे, तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो पेपर होंगे ये आपके मई जून में आयोजित कराई जाएगी परीक्षा। यानी कि आपका सेमेस्टर वन जो कि नवंबर और दिसंबर में होना था, सेमेस्टर टू जो कि मई और जून में होना था, अब ये दोनों एक साथ होंगे। कब होंगे, मई जून में होंगे, आपके सेमेस्टर वन प्लस सेमेस्टर टू दोनों के पेपर आपके एक साथ होंगे। चार पेपर होंगे, आठ पेपर होंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी मैं देख रहा था कमेंट में कई जगह। यस, अगर आपके सेमेस्टर वन और टू दोनों होंगे तो आपके फोर प्लस फोर जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे, अगर आपके फोर होंगे, फाइव होंगे, जो भी सब्जेक्ट होंगे वो प्लस में जुड़ कर होंगे। ठीक है, अब आप देख लो कि आपके पास कौन सा सब्जेक्ट है, कितने सब्जेक्ट है, वो दोनों जुड़ कर होंगे। तो ये हो जाता है, ये अमर उजाला की न्यूज से हो जाता है। दूसरी न्यूज आ रही है नवोदय टाइम्स की तरफ से। नवोदय टाइम्स में बताया गया है कि ये जो परीक्षा होगी नवंबर दिसंबर में रद्द होकर मई जून में होगी। सेम इंफॉर्मेशन जो आपको अमर उजाला ने दी है वही आपको इंफॉर्मेशन जो है इसने दी है नवोदय टाइम्स ने। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि अखबार में आई हुई खबर को कभी भी आपको 100% सच मानकर नहीं चलना है। अखबार में जो न्यूज आती है ना उसमें फेरबदल हो जाता है। कल टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या कहा था आपको मैंने बताया था, और आज देखो ये अखबार क्या कह रहे हैं, आपको बता दिया। हो सकता है कि कल आने वाले कल की डेट में तीसरी न्यूज मिले। फिर जब तक SOL की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता, कोई सर्कुलर जारी नहीं होता या कोई ऑर्डर पास नहीं किया जाता, तब तक आपको किसी भी बात को 100% सत्य मानकर नहीं चलना है। ठीक है, चेंजेस जो है आते रहते हैं, और SOL में आप एडमिशन ले चुके हो। SOL देश की एक ऐसी महान संस्था आप कह लो जहां पर कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं होता है। यहाँ पे ना तो कोई एग्जाम का टाइम है इनका, ना कोई इनका रिजल्ट का सही सिस्टम है, ना ही इनका स्टडी मटेरियल कहीं कभी मतलब सही तरीके से मिल पाता है, कुछ भी सही तरीके से SOL के अंदर नहीं होता है। ये चीजें मैंने आपको आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, जब मैंने 12th क्लास के बाद SOL की वीडियो बनाई थी वहां पे सारी बातें आपको क्लियर बता दी थी कि SOL में ये होता है, और आपको समझा भी दिया था कि अगर आप इन सारे लफड़ों से बचना चाहते हो, ये फालतू की चीजों से बचना चाहते हो, तो आप SOL को छोड़ के कहीं और एडमिशन ले सकते हो। लेकिन बहुतों ने SOL में एडमिशन ले लिया, तो शायद उन्हें अब मेरी बातों का थोड़ा सा लग रहा होगा कि भाई शायद सही कहा था मैंने। आपको पता लग जाएगा और आने वाले टाइम पे आपको और पता लगेगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या मेरिट्स हैं इसके और क्या डीमेरिट्स हैं, अगर आपको मतलब ये आपके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। अगर आपके मई जून में एग्जाम हो जाते हैं तो आपको क्या उसके फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं, दोनों चीजें बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। सबसे बड़ा फायदा ये है टाइम का। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सेमेस्टर वन जल्दी आ गया है, कुछ भी पढ़ा नहीं है, स्टडी मटेरियल लेट से मिला है, देर से मिला है, क्लासें नहीं हो पाई हैं, और भी ना जाने कितने सारे जो बहाने थे या जो कमियां लोगों को नजर आ रही थी वो चीजें अब खत्म हो गई है। टाइम अगर मई जून में होगा तो टाइम की प्रॉब्लम तो खत्म, आपको 5-6 महीने का टाइम मिल जाएगा, आप 5-6 महीने में तैयारी कर सकते हैं सेमेस्टर वन की भी, सेमेस्टर टू की भी। ठीक है, ये तो आपका बड़ा फायदा है। दूसरा जो डीमेरिट्स, नुकसान क्या होगा इसका, सबसे बड़ा यह है कि भाई बहुतों को खुशी हो रही होगी कि भाई बहुत फायदा होगा कि पेपर देर से हो रहा है, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। नुकसान क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगी। मान लो आपका एक पेपर मान लो आप 12th क्लास में थे, आपका एक पेपर था 7 तारीख को, दूसरा पेपर था आपका 9 तारीख को, तीसरा पेपर था आपका 19 तारीख को। ठीक है, ये आपका पहला पेपर, ये दूसरा पेपर, ये तीसरा पेपर, आपको यहाँ पे मिल रहे हैं केवल 2 दिन, 1 से 2 दिन मिल रहे हैं, और यहाँ पे मिल रहे हैं आपको लगभग 9 से 10 दिन, 10 दिन मान के चलो। यानी कि देखो जब 2 दिन यानी कम समय मिलता है तो आप दिन रात चाहे लड़ झगड़ कर जो भी होगा आप उन 2 दिन में पढ़ाई करोगे। कितना भी सिलेबस रह रहा होगा आप उस 2 दिन में 48 घंटे में आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपके पास मजबूरी है, आपके सामने केवल 2 दिन बचे हैं और आपको पढ़ना है। क्लियर बात है, आप पढ़ोगे, लेकिन जब आपको टाइम मिल जाएगा ज्यादा तो लगेगा यार 10 दिन है, पहला दिन तो ऐसे मजे में चला जाएगा, दूसरा दिन में चला जाएगा यार अभी तो 8 दिन पड़े हैं, अभी तो 7 दिन पड़े हैं, अभी तो 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, लास्ट में फिर वही हाल हो जाएगा कि 9 दिन हमने बर्बाद कर दिया, बचा 1 दिन, 1 दिन में फिर से पढ़ो। यानी कि ये सिस्टम हो जाता है कि टाइम को हम मैनेज नहीं करते हैं जब हमारे सामने टाइम ज्यादा होता है, तो यहाँ पे यही डीमेरिट्स हैं।
और ये बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगी आज के समय में, आज जो वीडियो देख रहा है शायद उसे समझ में ना आए, लेकिन मई जून में जब आप पहुंच जाओगे तब आपको मेरी ये वाली बात याद जरूर आएगी अगर आप वीडियो देख रहे हो। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अपना टाइम को सही से मैनेज करना, 6 महीने 5 महीने अगर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, उस 5 से 6 महीने का टाइम को सही तरीके से यूज करो, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होगा कि अगर मई जून में आपके पेपर होते हैं तो उससे भाई सबसे बड़ी समस्या हमारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैंने कहा था भाई मैं पोल साइंस ऑनर्स का कोर्स बना दूंगा बट मैं नहीं बना पा रहा हूँ। रीजन यही था क्योंकि जिस डेट में मैंने ये वीडियो बनाया था कि मैं पोल साइंस ऑनर्स का कोर्स बनाऊंगा उस डेट में सेमेस्टर सिस्टम यानी CBCS सिस्टम लागू नहीं था, लेकिन जब मैंने 2 से 3 वीडियो बनाई एनुअल सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसके 2 से 3 दिन 4 दिन के बाद एक नोटिफिकेशन आता है SOL का कि अब सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा, ठीक है। यानी कि साल में 2 बार पेपर होंगे, तो साल में 2 बार के लिए कोर्स बना पाना मेरे लिए इम्पॉसिबल था, मैं नहीं बना पा रहा था। लेकिन अगर पेपर मई जून में होते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे 12th के एग्जाम खत्म हो जाएंगे, तो मैं टाइम निकालकर मई जून में जरूर कोशिश करूंगा कि मैं पोल साइंस ओनर्स की अगर मैंने वीडियो अभी नहीं बनाई तो मैं उसे बना सकता हूँ उस टाइम पर, ठीक है। लेकिन मैं वीडियो मई और जून में ही बना पाऊंगा, अप्रैल के बाद बना पाऊंगा, सॉरी अप्रैल बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद, ये हो जाएगा हमारे लिए फायदा कि मैं बना सकता हूँ। अब बाकी आपको करना है जो भी आपकी तैयारी है आप अपने अकॉर्डिंग करो, अपने अनुसार करो। क्लास या अगर SOL की लग रही है तो क्लास में जाओ, SOL में क्लास ये लो, और आप जो स्टडी मटेरियल मिल रहा है उससे पढ़ो। इसके अलावा आप जो बाहर से जो भी खरीदना चाहते हैं 10 ईयर वगैरह जो आप खरीदते हैं आप उसे पढ़ सकते हो, और यही है आपके लिए। ऑल द बेस्ट सभी को, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। और एक चीज को ध्यान रखना, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता किसी भी चीज पे यकीन मत करना, पूरी तरीके से श्योर मत होना, और SOL की जो वेबसाइट है उसको रेगुलर चेक करते रहो। नया नोटिफिकेशन अगर आ जाता है एग्जाम से रिलेटेड तो फिर वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। बाकी मैंने आज चेक करा है, पूरे दिन में अभी तक मुझे कोई नोटिफिकेशन नजर नहीं आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।